झुंझुनू के नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की प्रेरणा से नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा के द्वारा जिले में शुरू किए गए पौधारोपण अभियान लगातार जारी है। इसे हर वर्ग और संगठन के साथ साथ अब धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग मिलने लगा है। इसी क्रम में पिलानी कस्बे में संचालित गायत्री परिवार के सदस्यों ने इसमें अपना सहयोग देने का संकल्प लिया। गायत्री मंदिर में हुए हवन कार्यक्रम में पौधों के साथ सभी पदाधिकारियों और धर्म प्रेमियों ने हवन किया, जिसमें प्रधान दिनेश सुंडा भी शामिल हुए। इस मौके पर गायत्री परिवार के पदाधिकारियों ने कहा कि वे हर साल पौधारोपण करते हैं, लेकिन इस बार उनके अभियान के तहत पूरे जिले में 13 शक्तिपीठों के सहयोग से 15,000 पौधे जुलाई और अगस्त माह में लगाए जाएंगे। सुंडा ने कहा कि इस अभियान को पूरे जिले में सहयोग मिल रहा है, साथ ही 11 लाख पौधे लगाने का जो संकल्प लिया गया था वो अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, निजी सरकारी स्कूलों तथा अन्य समर्थकों के जरिए पूरा किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर खरे गोविंद सोनी, राजेश देवेंद्र महिपाल, रामजीलाल, डॉक्टर राहुल, मनोज नेहरा, विजय सिंह व सुभाष चंद्र आदि मौजूद थे। आज पिलानी में गायत्री परिवार के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हवन किया गया और जो जेजेंट्री प्लांट चैलेंज के तहत हमारी पूरी टीम द्वारा पूरे जिले में जो लगभग 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है, उसमें आज गायत्री परिवार के जो लगभग 250 के लगभग कार्यकर्ता पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं और 13 शक्तिपीठ हैं, इन सब की पूरी टीम मिलके पूरे ज़िले लेवल पे लगभग 15,000 पौधे लगाने का पूरी टीम के साथ सहयोग का हमें विश्वास दिलाया है। और जिनको एक बच्चे की तरह, क्यों आप सबको पता है गायत्री परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो किस तरीके से समाज सेवा के एक अच्छी सेवा के साथ कार्य करते हैं, उसी तरीके से इन बच्चों को, इन पेड़ पौधों को बच्चों की तरह पालने का एक जिम्मा लिया है। जो आने वाले 2 महीने में हम जुलाई और अगस्त में जो जो बरसात शुरू होती जाएगी उस तरीके से पूरी टीम के साथ जुड़ के और टुकड़ों में अलग अलग फेज वाइज हम ये लगभग 15,000 पौधे इनके साथ मिलजुल के लगाएंगे, जिसमें पूरी टीम पिलानी में हमारे साथ खड़ी है। यही इसी विश्वास के साथ इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।